नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका रम्या रामायणी कथा में स्वागत करता हूँ। रावण की कथा चल रही है, राम कथा तो नहीं है, लेकिन जितना श्रेष्ठ रावण था ये जब आप जानेंगे तो ही आपको राम का वास्तविक महत्व मालूम पड़ेगा, ये तो बड़ा ही स्पष्ट है। तो रावण ने अनरण्य राजा को, जो अयोध्यापति हैं, उनको मार दिया है। बाकी राजाओं ने उनकी सत्ता का स्वीकार कर लिया है, फिर भी पृथ्वी पे इधर से उधर घूम रहा है कि अगर कोई राजा आ जाए लपेटे में तो उसका भी कल्याण कर दिया जाए। ऐसे में नारद मुनि उनको देख करके और उनके पास आते हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारदस्तु महातेजा देवर्षि अमित प्रभा अब्रवीन मेघ पृष्ठोथ रावणम पुष्प के स्थितम। ठीक है, रावण तो पुष्पक विमान में बैठा हुआ है और नारद मुनि को किसी रथ की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही बादलों के बीच में स्थित हैं। और रावण से कहते हैं कि अरे भाई, तुम इन मनुष्यों पे क्या अत्याचार कर रहे हो, ये मनुष्य तुम्हारे अत्याचार के योग्य नहीं है। अरे ये तो वैसे ही दुनियादारी के दुखों से, इन सब चीजों से मरे पड़े हैं। विष्णुना दैत्य घातश्चे गंधर्वो रण घर्षणई त्वया समं विमर्दश्चे भृशं हि परितोषित। अरे दैत्य हैं, गंधर्व हैं, अरे इन सब के साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए और उनमें से अधिकांश को तुम पराजित कर चुके हो, तब इन मनुष्यों के साथ ये सब करके तुमको क्या मिलेगा। एक तुम हो जिनको अमर देवता भी नहीं मार सकते हैं, है? और एक तरफ ये मृत्यु लोक के प्राणी जो हमेशा मृत्यु के मुख में ही, मृत्यु से हमेशा जिनको भय बना रहता है, जो देवता कभी नहीं मरते हैं, जो अमर हैं, वो तुम्हें मार नहीं सकते। और ये मृत्यु लोक के प्राणी जो बेचारे हर तरीके से हमेशा मृत्यु से भयभीत रहते हैं, तुम इनको क्या परेशान कर रहे हो। नित्रम श्रेयसी सम्मूणम महद्भीर व्यसन ही व्रतम हन्यात कस्तादृशम लोकम जरा व्याधि शतयुतम। देखिए, यहाँ जरा है, वृद्धावस्था है, व्याधि है, रोग है, मृत्यु है, तरह तरह के व्यसन हैं, दुख हैं, है? कितनी परेशानी है इन सबके सामने, कभी ये विपत्ति कभी वो विपत्ति। अब देखिए, जब कोई विपत्ति नहीं, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, हैं? तो कोरोना जैसी बीमारी आ गई, आप समझिए तो सही। तो ये बेचारे जो खुद ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, सोचिए आप, ये विचारने जैसी बात है कि व्यक्ति जो ये सोचता था कि अगर एक दिन में कंपनी नहीं जाऊंगा तो कंपनी में पता नहीं क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, उस कंपनी का क्या होगा। जो व्यक्ति ये सोचता था कि मैं एक दिन ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक दिन नौकरी नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, आज सब अपने अपने घर पे बैठे हैं, किसी का कुछ नहीं हो रहा, ना किसी के बच्चों भूखे मरे जा रहे हैं, किसी का कुछ नहीं हो रहा। वही समस्या कुछ ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रजा में किसी के सामने समस्या नहीं है, लेकिन जितने लोगों की मृत्यु सामान्य तौर पे हार्ट अटैक से इससे उससे हुआ करती थी, उससे कम मृत्यु हो रही है, क्योंकि सबका टेंशन फ्री कर दिया, सबको कुछ किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं है। और जब टेंशन नहीं तो मृत्यु कहां से होगी। यहां कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है तरह तरह की विपत्तियां, तरह तरह की टेंशन, आदि व्याधि और सब कुछ लिए घूमता रहता है, और तुम इनके साथ क्या युद्ध कर रहे हो। क्षीयमाणम दैवहतम क्षुत पिपासा जरादि भी विषाद शोक सम्मूढ़ा लोकम तुम क्षपयस्व। मेरी बात मानो, ये भूख प्यास बुढ़ापा है? थोड़े दिन तक बड़े होते हैं और फिर उसके बाद ऐसे घिसने लग जाता है व्यक्ति, जिनको दुख विषाद ये सब चीजों से हमेशा घिरे रहते हैं। अब तुम जो खुद ही, अरे तुम कुछ नहीं करो, ये मनुष्य तो अपने आप वैसे ही मरा पड़ा, ये तो वैसे ही मर जाएगा, तो इनको तुम परेशान मत करो, अगर तुम्हें करना है तो जाओ। इन सबको जिसने अपने वश में कर रखा है ना, उस काल के पास, उस यम को तुम्हें वश में करना चाहिए। अवश्य में भी सर्वस्य गंतव्यम यम साधन, आपको यमलोक जाना चाहिए। तन निग्रहित सुपौरस्य यमम पुरपुरंजय, उस यम को अगर तुम अपने वश में कर लो ना, उस काल को अगर अपने वश में कर लो जिनके वश में ये सब हैं, तस्मिन जीते जीतम सर्वम भवत्येव न संशय, अगर तुम उनको जीत लोगे तो तुमने सारे संसार को जीत लिया, क्योंकि उसी के वश में तो पूरी सृष्टि चलती है, समय के अनुसार हर काम चलता है। देखिए, देवता भी समय से तो आबद्ध हैं,
क्योंकि क्षीणे पुण्य मृत्युलोक की विशंति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे उसके बाद उनको मृत्यु लोक में आना है। तो अगर आप उस यमराज को अपने बस में कर लोगे ना, तो आप ये समझ लो कि आपने सबको बस में कर लिया। रावण कहता है मैं तो इस समय रसातल विजय के लिए जा रहा था। रावण उसको तुरंत ही मार्ग बताते हैं, भैया रसातल काहे के लिए जा रहे हो, ये प्रेत राजपुर है और यहाँ से आगे जाओगे तो सीधा यमलोक आ जाएगा। यमलोक पहुंचो पहले, पहले वहां का काम निपटाओ। रावण भी कहते हैं तस्मादेव महाब्रह्म वैवस्वत वधूद्यतः गच्छामि दक्षिणामासाम यत्र सूर्यात्मजोपा। हाँ मैंने भी तो चारों लोकपाल को बस में करने की बात की थी ना, चलो उत्तर दिशा में कुबेर को करके आया, अब दक्षिण दिशा में चला जाता हूँ। ठीक है पश्चिम पूर्व बाद में देख लेंगे, तो पहले मैं दक्षिण दिशा में चला जाता हूँ। और यूं कह करके रावण जो है वो यमराज के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय करके वहां से प्रस्थान करता है। नारद मुनि अपने मन में सोचते हैं कि यार जिस समय के बंधन में पूरा संसार चलता है, ये रावण इसको तो वरदान मिला हुआ है, इसको तो कोई देवता यक्ष गंधर्व किन्नर कोई मार ही नहीं सकते हैं। ये न लोकस्त्रया सेन्द्रा क्लिश्यन्ति सचराचरा क्षीणे चाये सुधर्मेण सकालो जिस्यते कथम। अब एक तरफ वो समय है जिसके सामने आज तक कोई नहीं जीता, और एक तरफ ये रावण है जिसको वरदान मिला हुआ है। मजा ये है कि अब ये देखना कि इन दोनों में कौन जीतता है। भाई इन्हीं का नाम नारद है। स्वदत्त कृत साक्षी यो द्वितीय एव पावका लब्ध संज्ञाम चेष्टन्ति लोका यस्य महात्मना। वो सोच रहे हैं ये समय ये यम कैसे हैं कि जो स्वयं इस संसार के साक्षी रूप रहते हैं, और जब जिसका समय आ जाए यस्य नित्यं त्रयोलोका विद्रवंति भयादिता। जब जिसका समय आ जाए वो इनके सामने जीतता तो है ही नहीं, भाई यम के सामने आज तक कौन टिका है। तीनों लोक जिनके भय से हमेशा कांपते रहते हैं, तम कथम राक्षसेन्द्रोसो स्वयमेव गमिष्यति। अब देखना है ये राक्षसेन्द्र उसके सामने जाके क्या करता है, क्योंकि एक तरफ यमराज है। यो विधाता च धाता च सुकृतम दुष्कृतम तया। जो विधाता भी है, भाग्य विधाता भी है, जो धाता भी है, जो सुकृत और दुष्कृत का हिसाब रखने वाला है, पाप पुण्य का हिसाब रखने वाला है, त्रैलोक्यम विहितम येने तम कथम विजयिष्यति। और जिन्होंने त्रैलोक के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है उन यमराज को ये कैसे जीतेगा, ये तो देखने वाली बात है। और इस प्रकार से विचार करके महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कौतूहलम समुत्पन्नो यास्यामि यमशाद्रम। अब ये गेम तो मुझे देखना है, मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। इस प्रकार से सोचते सोचते सीधे यमराज के यहाँ पहुंच जाते हैं। कश्चित् क्षेमं तु देवर्षे कश्चित् धर्मो न नश्यति किमागमन कृत्यं ते देव गंधर्व सेवितम्। हे नारद मुनि आप तो देवताओं गंधर्वों सबके द्वारा सेवित हैं, बताइए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, किस लिए आप यहाँ आए हैं, आने का कारण बताइए। नारद मुनि से यमराज ने आने का कारण पूछा है, तब नारद मुनि ये कहते एस नामना दशग्रीवा पितृ राज निशाचरहा उपयाति वसम ने तुम विक्रम ही त्वाम सुदुजय। महाराज सावधान हो जाइए, ये दशग्रीव नाम का जो रावण है वो आपको वश में करने के लिए आ रहा है, आप पे विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा है। उसी समय सामने से वो तेजस्वी वीर रावण आता हुआ दिखाई देता है। यमराज भी उसको देखते हैं, रावण भी यमपुरी में जाकर के पहुंच गया है। यहाँ वो देख रहा है कि अरे अरे क्या हालत है, किसी को तेल की कढ़ाई में तला जा रहा है, किसी के शरीर में कीड़े बिलबिल आ रहे हैं, मरा जा रहा है बेचारा, कृमि भीर बक्ष माणांस छोटे बड़े सब तरीके कीड़े उसको खा रहे हैं, सार में यश्च दारुण ही श्रोत्रा या सकरावाचो वदतश्च भयावह। और जिनके मुंह में से भयंकर पीड़ा जनक आवाज निकल रही है, इस प्रकार के कुछ लोग देखे तरह तरह के, जिसने जैसे कर्म किए हैं, पानीयम याचमानांस कुछ लोग पानी मांग रहे हैं, तुषितांग चुदितान्य भी कुछ भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, सब भूतान कृतान दीनान विव्रवर्णान मुक्त मूर्त जान, किसी के बाल खुले पड़े हैं, तरह तरह के वहाँ
नरक लोक की यातनाएं देखी हैं, वहाँ जिन लोगों ने दान धर्म किए हैं, गौदान गोरसम गोप्रदातारो अन्नम चैवान्न दायिनः गृहांश गृहदातारा स्वकर्म फल मसनता, वो उस प्रकार के अन्नदान गृहदान गोदान जिनने किए हैं वो उस प्रकार के अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। इस प्रकार से तरह तरह के अपने अपने कर्मों को भोगते हुए लोगों को देखा। रावण ने सबसे पहला काम क्या किया होगा आप सोचिए, वहां जितने पापी थे उन सब पापियों को रावण ने छुड़ा दिया। वहां जो लोग इस प्रकार की सजाएं दे रहे थे सबको बुरी तरह से मारा है और सभी पापियों को वहां से मुक्त करवाया है। जैसे ही उन सब ने देखा कि भाई ये तो हमारे सारे नियम ही तोड़े दे रहा है, तो प्रेत गोपा सुसंक्रुद्धा राक्षेन्द्र भिद्रवन ततो हर हला शब्दा सर्वदिग्भिसमुपस्थिता। तब उन प्रेत रूपी जो यमराज के सेवक हैं उनने सबने रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब तो चारों तरफ हलाहल हलाहल आवाज होने लग गई है, क्योंकि एक तरफ रावण के योद्धा हैं वो कम पापी नहीं है, अब पापियों के ऊपर होते अत्याचार वो कैसे देख सकते हैं, अपने बंधु बांधवों को तो सभी को छुड़ाना होता है वो उनको छुड़ाने लग गए हैं। यहाँ इनको जो ड्यूटी सौंपी गई है आज तक किसी ने आकर के इनके इस काम में विघ्न खड़ा नहीं किया है, हैं ऐसे यमदूत जो हैं वो बिल्कुल से आक्रमण कर देते हैं। देव निष्ठान भूतम तद विमानम पुष्पकम मृदे भज्यमानम तभीवासी दक्षिण ब्रह्म तेजसा। वो सारे जो हैं उस पुष्पक विमान का कोई गुम्मस तोड़ने लग गया, कोई ये तोड़ने लग गया, कोई वो तोड़, हम विमान को ही तोड़ देंगे, इस प्रकार की स्थिति हुई। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वो तो देवी युक्त था, ये पुष्पक विमान किस प्रकार का कि अगर आप उसको तोड़ दोगे तो अपने आप रिपेयर भी हो जाएगा। अब ये तो एक सोचने वाली बात है यार, अभी विज्ञान को बहुत तरक्की करनी है, ऐसा विमान तो बनाना ही है जिसको अगर तोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोरोना के बारे में सोचा था कि कोई ऐसा वायरस आ सकता है जो इतने दिन आपको घर में बिठा देगा, नहीं सोचा था ना। अरे इस संसार में असंभव शब्द ही असंभव है, बाकी कुछ असंभव नहीं है। जिस प्रकार से द्रोण से पान और गुटखा की सप्लाई की जाती है, ये कभी आपने सोचा था क्या? नहीं सोचा था ना। जो नहीं सोचा, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है इस संसार में, आप जो नहीं सोच सकते हैं वो सब कुछ हो सकता है। अब तो रावण का उन सबके साथ भयंकर युद्ध होने लग गया। रावण की सेना बड़ा पराक्रम के साथ उनके साथ युद्ध करती है। जब वो सभी योद्धा रावण के सैनिकों के सामने नहीं टिक पाते हैं तब वो जाकर के यमराज से कहते हैं कि महाराज आपके सारे नियम कायदे का टूटे जा रहे हैं, क्योंकि रावण ने पाशुपतास्त्र का उपयोग कर दिया है, ततः पाशुपतम दिव्यम अस्त्रम संधाय कारुण के, बाकी वो नहीं जीत सकता था लेकिन पाशुपतास्त्र का उपयोग किया है। ममोचितम सरम क्रुद्धम त्रिपुरे शंकरो यथा, जैसे त्रिपुर के ऊपर शंकर ने उसको छोड़ा था उसी प्रकार से उसने छोड़ दिया है। पूरा सब कुछ जलने लग गया है, सब नष्ट होने की तैयारी में है। रावण जो है इन सब को परास्त करके महानाद करता है। इधर यमराज जैसे ही अपने दूतों के पास से ये बात सुनते हैं, पास मुदगर हस्तस्य मृत्यु तस्याग्रता स्थितः येन संक्षिप्यते सर्वं त्रैलोक्यम् इदमभ्य, अपने सारथी से कहते हैं रथ तैयार करो, और उस रथ पे यमराज के आगे कौन बैठा है? मृत्युदेव स्वयं बैठे हैं, जिनके हाथ में पास और मुदगर है। अब वो यमराज युद्ध करने के लिए निकले हैं रावण के साथ में। यमराज के भयंकर रूप को देख करके तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई, सब हाहाकार करने लग गए हैं कि भैया जो शांति से बैठे रहते हैं, जिनके मात्र कुछ दूत जाते हैं इधर उधर तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है, हैं? वो यमराज खुद आज युद्ध करने के लिए निकले हैं, वो काल वो समय आज खुद युद्ध करने के लिए निकला है, जिस समय के बस में पूरा संसार है। ततो लोकत्रयम क्षुब्धम अकंपत दिवोकश, सारे देवता योवता भी कांप गए हैं, तीनों लोक जो हैं वो कांपने लगे हैं। कालम दृष्ट्वा तथा क्रुद्धम सर्वलोक भया, क्योंकि इस प्रकार से काल को क्रोधित अवस्था में आज तक किसी ने नहीं देखा था। दृष्ट्वा तथैव विकृतम रथम मृत्यु समन्वितम सचिवा राक्षेन्द्र से सहसा विप्रदुद्रुप, अब आगे मृत्यु जिस पे विराजमान है, जब यमराज का वो रथ पहुंचता है तो रावण के तो सारे सैनिक वो जितने योद्धा थे ना, मृत्यु के उस भयानक रूप को देख के घबरा के वहां से भाग खड़े। अरे भैया
इसके साथ कौन युद्ध करेगा? तो सारे योद्धा भाग गए हैं। लघु सत्व तयाते ही नष्ट संग्राम भयार देता। अरे भागने की तो स्थिति कहां रही? इस भयंकर मृत्यु के स्वरूप को देख करके वो सब वही नष्ट संज्ञा भय से व्याकुल होकर के बेहोश हो गए हैं। नेह युद्धम समर्थास्मे इत्युक्ता प्रय दुर्दिशा। और जो दो चार बचे उन्होंने कहा भैया हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते, इस मृत्यु से युद्ध करने की हमारी क्षमता नहीं है, वो वहां से भाग गए हैं। लेकिन रावण तो रावण है भैया। सतुतम तादृशम दृष्ट्वा रथम लोक भयावम नाक्षुभ्यत दशक ग्रीवो न चापि भय माविष। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं रावण को इतना गुमान है, इतना अभिमान है, इतना ना तो वो भयभीत होता है और ना ही क्षुभित होता है। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। एवं नाना प्रहरणई येना मित्र कर्मिणा सप्त रात्रम कृतः संख्ये विषंगो विमुखो रिपुन। सात दिन और सात रात तक यमराज और रावण के बीच में युद्ध चला है। ऐसे में मृत्यु देव ये कहते हैं कि आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं जाता हूं इन सबका संहार कर देता हूं। अरे आप जानते हैं मेरे सामने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु नमुची संबर इन जैसे योद्धा नहीं टिके। मृत्यु के मुख में तो सभी गए भैया, एक दिन सबको मरना पड़ा, तो मृत्यु ने तो इन सब पे विजय प्राप्त की है। आज मैं इस रावण को भी खत्म कर देता हूं। छोड़िए महाराज इस झंझट को छोड़िए, आप खाली मुझे आज्ञा दे दीजिए। देखो जब प्रलय काल आता है ना तो मैं इस पूरी सृष्टि को निकल जाता हूं, इस रावण की तो औकात क्या है? तभी यमराज कहते कि नहीं भाई, मृत्यु का उपयोग तो समय पे ही किया जाता है। मृत्यु को समय से पहले कभी भी भेजा नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें तो अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन अत्यंत क्रोधित होकर के कालदंडम अमोघम तू तोले आमास पाणिना, अपने हाथ में जैसे उस कालदंड को उठा करके और प्रहार करने के लिए उसको एक बार जैसे ऊंचा किया है, ब्रह्मा जी तुरंत आकर के उपस्थित हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि महाराज इस कालदंड का उपयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मैंने वरदान दिया है, अगर आप कालदंड का उपयोग करोगे और ये रावण मर जाएगा तो मेरा दिया हुआ वरदान विफल हो जाएगा, और मेरे वरदान की वजह से अगर कालदंड से ये नहीं मरा तो फिर इस संसार में से काल का मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। तस्मिन् प्रहर्तु कामेतु यमे दंडे न रावणम यमं पितामह साक्षात् दर्शित्वेदम ब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि वर्णन कर रहे हैं कि जैसे वो मारने के लिए तैयार हुए, ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए हैं और साक्षात उपस्थित होकर के उन्होंने ये कहा है कि वराह खलु मये तस्मै दत्तस्त त्रिदश पुंगवा, उसको मैंने वरदान दिया है कि कोई देवता कोई यक्ष कोई गंधर्व कोई किन्नर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब मेरे वरदान के सामने तुम कालदंड का उपयोग करोगे तो या तो वो मर जाएगा, क्योंकि कालदंड से तो कोई बच नहीं पाया है, अगर वो मर गया तो मेरी वाणी गलत हो जाएगी। यो ही माम अनृतम कुर्या देवा वा मानुषो पिवा त्रैलोक के अनृतम तेने कृतम श्याम नात्र संशया, तो ये पूरा संसार ही मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा की वाणी अगर मिथ्या हो गई तो सब कुछ मिथ्या हो गया। अमोघो हेस सर्वेशाम प्राणिनाम अमित प्रभा कालदंडो मया सृष्टा सर्व मृत्यु पुरस्कृता, क्योंकि सभी की मृत्यु इससे हो जाए इस प्रकार से इस कालदंड को भी मैंने ही बनाया है। एक तरफ मेरा वचन है, एक तरफ मेरे द्वारा बनाया हुआ ये शस्त्र है, अगर इस शस्त्र का उपयोग करोगे तो या तो मेरा वचन झूठ होगा या मेरा शस्त्र झूठ होगा, और दोनों ही स्थिति में मेरा अपमान होगा, ये सबसे बड़ी समस्या होती है भैया। ऐसे में यमराज कहते हैं किम त्वदानीं मया शक्यं कर्तुं रणगतेन हि न मया यद्यहं शक्योऽहंतुं वर पुरस्कृता, अगर आपके वरदान से ये सुरक्षित है और मैं इसको मार ही नहीं सकता हूं तो इसके साथ युद्ध करने का मतलब ही क्या है, मैं क्या करूं इसके साथ युद्ध करके। और ये कहने के बाद यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रावण अपनी विजय घोषित कर देता है कि मेरे सामने यमराज नहीं टिक पाए हैं। दशक ग्रीवस्तु तम जित्वान नाम विश्राव्य चात्मना आरुह्य पुष्पकम भूयो निष्क्रांतो यम साधना।
रावण वहां से अपने पुष्पक विमान पे बैठ करके और मैंने यमपुरी को जीत लिया इस प्रकार की घोषणा करता हुआ वहां से निकल जाता है। वो सारे जो उसके सैनिक वैनिक भाग गए थे वो सब अब होश में आए हैं। जब उन्होंने देखा है 7 दिन के युद्ध के बाद पूरा रावण घायल है, उसके शरीर से खून की धाराएं बह रही हैं, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी है, लड़ा है। ये रावण का महान गुण था। और उसके बाद वो सब भी उसकी सेना में फिर से पुष्पक विमान पर बैठ करके। तो इस प्रकार से यमलोक में रावण के साथ क्या हुआ, यम विजय रावण ने किस प्रकार से किया है, ये कथा हमने आपको सुनाई। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।